नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की खबरों पर। खबर जबलपुर से। जबलपुर की रांझी थाना पुलिस ने अपराध करने की नियत से घूम रहे 9 शातिर बदमाशों को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। रांझी थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि रांझी क्षेत्र का शातिर कुख्यात बदमाश गंगू और आकाश यादव अपने 8 साथियों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए स्कॉर्पियो कार में बैठे हुए थे। सूचना पर रांची थाना पुलिस की टीम ने दबिश दी, जहां पर गंगू उर्फ आकाश यादव अपने 8 साथियों के साथ कार के अंदर बैठा हुआ था। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें एक पिस्टल जिसमें एक कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। खबर गुना से है। गुना में पुलिस ने कुछ ऐसा किया जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कई फरियादियों द्वारा उनके मोबाइल फोन गुम होने के बाद लोगों ने पुलिस में शिकायत की और मोबाइल वापस दिलाए जाने का अनुरोध किया। पुलिस ने तत्परता दिखाई। पुलिस ने अभी तक हजारों की तादाद में करीब 1 करोड़ के खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस लौटा दिए हैं। 1 महीने के अंदर ही पुलिस ने 110 खोए हुए मोबाइलों की तलाश कर डाली। चित्रकूट में अघोषित विद्युत कटौती से परेशान लोगों ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नारेबाजी की और एक रैली निकाली। विद्युत विभाग के जेई को ज्ञापन सौंपा। 403 ज्ञापन में मांग की गई है कि अघोषित विद्युत कटौती को बंद किया जाए, खराब पड़े विद्युत ट्रांसफार्मर को बदला जाए। मध्य प्रदेश में बैतूल के कोठी बाजार क्षेत्र के मोतीवाड़ में चोर बेखौफ है। इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शहर के मोतीवाड़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की खबरें सामने आ रही थी। शिकायत पर मंगलवार को SP कार्यालय में की गई। लोगों की मांग थी कि रात में भी पुलिस गश्त करे ताकि चोरी की घटनाओं पर रोक लग सके, लेकिन इसके बाद भी उसी रात चोरी की एक घटना वहां पर हो गई। पुलिस ने भी लोगों को यहां गश्त करने वाले पुलिसकर्मियों के नंबर दिए हैं ताकि वो उनसे कभी भी संपर्क कर पाए। अमरवाड़ा में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत जिले में निवासरत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में आज शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर की टीम ने मिलकर दिव्यांगजनों के फॉर्म को सबमिट किया। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, कृत्रिम अंग व कई ऐसे उपकरण उपलब्ध कराए गए। गुना में भारत स्काउट एंड गाइड जिला संघ गुना के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय एडवेंचर कार्यक्रम के अंतर्गत आलोक जैन जिला मुख्य आयुक्त और चंद्रशेखर सिसोदिया जिला कमिश्नर स्काउट के मार्गदर्शन में सीनियर क्राइस्ट स्कूल में संचालित विवेकानंद दल शिक्षक रमन और सुरक्षा यादव के साथ 28 स्काउट गाइड के साथ पचमढ़ी में स्काउट गाइड साहसिक गतिविधियों का लुत्फ लिया गया। डीओसी ने बताया कि एडवेंचर कैंप में हमें अपनी शारीरिक क्षमताओं को जानने और समझने का अवसर मिलता है। इस कैंप के अंतर्गत स्काउट गाइड पंचमढ़ी में पैदल ट्रैकिंग, रॉक शूटिंग, तीरंदाजी और कई ऐसी एक्टिविटी करने का मौका भी मिलता है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।